हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंपैरिजन करेंगे तेलुगु इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म भोला शंकर वर्सेस तमिल इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म जेलर के कंपैरिजन वीडियो को लेकर, और साथ ही में जानेंगे इन दोनों ही मूवीज का बजट कितना है, मूवी ने अभी तक एडवांस बुकिंग कितनी कर ली है, मूवी अपने पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म भोला शंकर के बारे में, जिसकी स्टार कास्ट में हमें चिरंजीवी, तमन्ना भाटिया और कीर्ति सुरेश जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी को 11 अगस्त 2023 को इंडिया सहित दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाना है। मेहर रमेश के डायरेक्शन में बनने वाली भोला शंकर मूवी को 2500 स्क्रीन्स के साथ वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें भोला शंकर मूवी के अभी तक के इंडिया के टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में, तो चिरंजीवी सर के स्टारडम की वजह से मूवी ने अभी तक एडवांस बुकिंग में 3,50,00,000 रुपीज के आंकड़े को पार कर लिया है। चिरंजीवी सर की फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं ओवरसीज में भी जबरदस्त है, जिसके चलते मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड से 6,00,00,000 रुपीज का धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि भोला शंकर मूवी अपने पहले दिन इंडिया से 40,00,00,000 रुपीज का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी, और साथ ही में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मूवी 50,00,00,000 रुपीज के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी। मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ रुपीस का है, और इस बजट को मूवी अपने शुरुआती 3-4 दिनों में ही रिकवर कर लेगी। भोला शंकर मूवी साल 2015 में आई तमिल मूवी वेदलम का ऑफिशियल रीमेक होने के बावजूद भी धमाकेदार एडवांस बुकिंग कर रही है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कंपेरिजन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कंपैरिजन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वहीं पर अगर बात करें तमिल इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म जेलर के बारे में, तो जेलर मूवी की स्टार कास्ट में हमें रजनीकांत, शिवा राजकुमार, तमन्ना भाटिया और मोहनलाल जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी को 10 अगस्त 2023 को इंडिया सहित दुनिया भर में रिलीज किया जाना है। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली जेलर मूवी को 3500 स्क्रीन्स के साथ वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया जाना है। वहीं पर अगर बात करें जेलर मूवी के अभी तक के इंडिया के टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में, तो मूवी ने अभी तक 5,50,00,000 रुपीज का धमाकेदार एडवांस बुकिंग कर लिया है। वहीं पर अगर बात करें अभी तक के जेलर मूवी की वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में, तो रजनीकांत सर का स्टारडम बढ़ चढ़कर बोल रहा है, जिसके चलते जेलर मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9,00,00,000 रुपीज की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर अगर बात करें जेलर मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो रजनीकांत सर की मूवीज पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 50,00,00,000 रुपीज का आंकड़ा इंडिया में आसानी से पार कर लेती है। वहीं पर अगर बात करें जेलर मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो मूवी अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 60,00,00,000 रुपीज से 70,00,00,000 रुपीज के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी। जेलर मूवी के अगर बजट की बात करें, तो बता दूं दोस्तों जेलर मूवी का बजट 200 करोड़ रुपीज का है। जेलर मूवी को अपने पहले दिन क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से बेहतरीन रिव्यूज मिलते हैं, तो मूवी अपने बजट को 4 से 5 दिनों में ही रिकवर कर लेगी। भोला शंकर मूवी और जेलर मूवी में से आप किस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के कंपैरिजन वीडियो को लेकर।